दिल मिल ही जाएगा हाथ मिलाते रहिए। हारमोनियम का रियाज किस तरह करना चाहिए? अब तक जो मैं वीडियोस दे चुका हूँ उसमें मैंने गले के रियाज के ऊपर काफ़ी कुछ बताया है, सिंगिंग की प्रैक्टिस क्या होती है वो काफ़ी कुछ बताया है, अलंकार अच्छे अच्छे मैंने डिफ़िकल्ट से बताए हैं, लेकिन पर्टिकुलरली इंस्ट्रूमेंटल अगर किसी को करना है, सिर्फ हारमोनियम बजाना है, तो उसको क्या रियाज करना चाहिए, आज उस पर मैं चर्चा करूँगा। वैसे तो मैं कई वीडियोज़ उस पर पहले भी बना चुका हूँ, हारमोनियम टेक्निक्स में बहुत सारी बता चुका हूँ, पर आज मैं थोड़ा सा और एक और बार हमारे नए व्यूअर्स के लिए, नए सब्सक्राइबर्स के लिए फिर से बताने जा रहा हूँ कि हारमोनियम का रियाज किस तरह करना चाहिए। तो पूरा वीडियो देखिए और जानिए। रियाज ऐप अ सिंगर्स कंपेनियन। हज़ार से भी ज़्यादा हिंदी, इंग्लिश, तमिल, तेलुगु, स्पैनिश, हर लैंग्वेज में गीत हैं इस एप्लीकेशन में। अभी डाउनलोड कीजिए और सीखिए इन सारे गानों को। अगर आप चाहते हैं आपका कोई पसंदीदा गीत सीखना तो उसका भी YouTube से लिंक कॉपी करके आप इसमें पेस्ट कर सकते हैं और वहाँ से भी सीख सकते हैं। इंडियन क्लासिकल तो है ही, वेस्टर्न भी है, कर्नाटक भी है, हर प्रकार का संगीत है। तो अभी डाउनलोड कीजिए रियाज ऐप। दो प्लेलिस्ट्स हैं जो मैंने इस चैनल पर बना रखी हैं, संगीत प्रवाह वर्ल्ड के चैनल पे, जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फास्टेस्ट हारमोनियम टेक्निक्स और बेस्ट हारमोनियम टेक्निक्स, जो मैंने दोनों प्लेलिस्ट्स में, एक जो प्लेलिस्ट है फास्टेस्ट हारमोनियम टेक्निक्स, उसमें मैंने हारमोनियम पर मैंने जो जो चीज़ें सीखी हैं, जो जो तकनीकें सीखी हैं जिनसे कि मेरे हाथ में थोड़ी सी स्पष्टता आई, क्लैरिटी आई और एक स्पीड आई, एक गति बनी है, तो वो क्या तरीका है जिससे कि मैं वो हासिल कर सका, वो चीज़ें मैंने बताई हैं उसमें। देखिए, प्रैक्टिस ही सब कुछ होती है, ये तो होता ही है, लेकिन प्रैक्टिस से ही सब कुछ आएगा ऐसा नहीं होता है। सही प्रैक्टिस से सब कुछ आता है। आप अगर गलत डायरेक्शन में प्रैक्टिस कर लेंगे तो हाथ में, क्योंकि प्रैक्टिस को नहीं मालूम कि वो सही है या गलत है, उसका मतलब है सिर्फ होना, जो आप कर रहे हैं उस क्रिया को बार बार दोहराना, उसका मतलब प्रैक्टिस होता है। तो आप जब बजा रहे हैं कोई चीज़, आपको लग रहा है मैं तो इतने सालों से हारमोनियम सीख रहा हूँ, इतने सालों से हारमोनियम बजा रहा हूँ, फिर मेरे हाथ में वो बात क्यों नहीं आई, इतने सालों से मैं गाने का रियाज कर रहा हूँ, इतने सालों से मैं गा रहा हूँ, फिर मेरा गला उतना क्यों नहीं चलता है, क्योंकि आपको सही मार्गदर्शन नहीं मिला है और कुछ नहीं। सही डायरेक्शन में प्रैक्टिस जो होती है वो फलदायी होती है, वो आपके काम में सफलता आपको देती है। ऐसा नहीं कि बहुत सारी प्रैक्टिस कर लेने से आप 8-8 घंटे रियाज कर रहे हैं उससे सब कुछ हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। 8 घंटे अगर आपने गलत रियाज किया है तो आप ये समझ लीजिए कि आप 8 घंटे पीछे जा चुके हैं अपनी संगीत की जो प्रगति है उसमें, क्योंकि आपने गलत ढंग से सुर लगाए, गलत ढंग से आपने गला चलाया, आपने गलत ढंग से आपकी आवाज़ लगाई, यानी जो वॉइस का जो थ्रो होता है, जो पंच है, वो गलत लगाया, तो वो सब कुछ जो आपने किया वो बेकार था, है ना। इसी तरह से हारमोनियम के साथ भी है। आप सालों से हारमोनियम बजाते आ रहे हैं, बहुत टाइम से आप हारमोनियम बजा रहे हैं, पर फिर भी वो स्पष्टता नहीं आ रही, वो क्लैरिटी नहीं आ रही, ऐसा क्यों? आप दिन के 10-10 घंटे आप उसमें दे रहे हैं लेकिन फिर भी नहीं आ रहा है, तो ऐसा क्यों? क्योंकि कुछ टेक्निक्स हैं जो आपकी गलत हैं, है ना। जो स्ट्रेंथ होती है वो तो मानी रखती ही है, लेकिन उसी के साथ में टेक्निक जो है वो ज़्यादा मानी रखती है, क्योंकि स्ट्रेंथ तो जो है बैल में भी होती है, है ना, लेकिन दिमाग तो कुछ ही जानवरों में होता है जो उससे फिर भी लड़के उससे जीत सकते हैं, तो ताकत ही सब कुछ नहीं है। तो उसी तरह से आपका हाथ जो है बहुत फर्राटेदार एकदम स्पीड में चल रहा है, यही सब कुछ नहीं होता है। फड़फड़ फड़फड़ बहुत ज़्यादा आप कर सकते हैं, यही सब कुछ नहीं होता है। किस ढंग से कहाँ कैसा बजाना है, उसका तरीका, उसका ढंग, उसका सलीका, वो ज़्यादा ज़रूरी है। आप गायकी के साथ बजा रहे हैं तो कैसा बजेगा, इंस्ट्रूमेंटल बजा रहे हैं तो कैसा बजेगा, भजन में बज रहा है तो कैसा बजेगा, गज़ल में कैसा बजेगा, तो यही आप अगर किसी को गवा रहे हैं ग्रुप सॉन्ग में तो कैसा बजेगा, ये सारी चीज़ें होती हैं, सारे तरीके होते हैं जो आपको आने चाहिए, तब जाके आप एक कुशल हारमोनियम वादक कहलाते हैं, एक कुशल गायक कहलाएंगे, जब आपको हर प्रकार की गायकी का फर्क मालूम होगा, ठीक है। तो अब ये पूरा वीडियो आप जब देख रहे हैं साथ में, तो आपको अभी एक हारमोनियम की फ्रेम आगे मैं दिखाऊंगा, जिसमें मैं बताऊंगा कि कुछ कुछ टेक्निक्स होती हैं जिनसे कि आप हारमोनियम ढंग से बजा सकते हैं और हाथ में जो है थोड़ी गति आ सकती है, और क्या क्या रियाज है जो आप कर सकते हैं। उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा व्याकरण के बारे में बताऊं संगीत के। हमारे संगीत में सुर तो आपने सभी ने सुने हैं, अलंकार आप सभी ने सुने हैं, दो शब्द और हैं जो आपने सुने होंगे, थाट और स्केल्स। जब इन थाटों और स्केल्स का जो नॉलेज है और जो प्रैक्टिस है वो आप ले लेते हैं, तब जाके हारमोनियम में थोड़ी बहुत आपकी कुशलता है वो और बढ़ जाती है,
है ना, क्योंकि आपको अलग अलग सुरों से अलग अलग थाटों में बजाना आता है। यानी ये समझ लीजिए उन्हीं सात सुरों को आप अलग अलग तरीकों से बजा सकते हैं किसी भी सुर से, तो अलग अलग रास्ते बनते हैं। सारे गमा पधनी सा पहली काली से किस तरह से बजेगा तो दूसरी काली से अलग ढंग से बजेगा। तो थोड़े से रास्ते बदले, थोड़े सुर बदले, थोड़ी सी फिंगर पैटर्न्स बदलेंगी तो आपकी उंगलियों को अलग अलग ढंग से एक्सरसाइज करने को मिल जाती है, तो इससे जो है उनमें स्पीड आ जाती है, क्लैरिटी आ जाती है। तो अभी आप देखिए हारमोनियम की फ्रेम में आपको बताता हूँ कि किस तरह से आप जो है समझ सकते हैं कि टेक्निक्स क्या हैं और फास्ट कैसे हाथ आपका हाथ हो सकता है। तो सबसे पहले तो हारमोनियम बजाने का तरीका आपको मालूम होना चाहिए कि आपका हाथ का रखरखाव कैसा होगा, उंगलियों की पोजीशंस क्या होगी, कौन सी उंगली किस जगह लगनी चाहिए, कौन से सुर पे लगनी चाहिए। उसके बाद आप कहीं ये चीज़ सोचने के लायक होते हैं कि हमें रियाज़ क्या करना होगा, है ना। क्योंकि सबसे पहले मैंने वही बोला कि गलत ढंग का रियाज़ जो है वो सबसे ज़्यादा बुरा होता है, सबसे ज़्यादा हानिकारक है। तो हाथ देख लीजिए, आपकी हाथ की पोजीशन देखिए। हारमोनियम बजाते समय कभी भी हाथ स्टिफ ऐसा नहीं रहना चाहिए कि उंगलियाँ एकदम कड़क हों आपकी। हाथ नेचुरल जैसा आपका रहता है, हमेशा से जो मैं कहता हूँ ये जो कर्व्स होते हैं हमारी उंगलियों में, ये जो जॉइंट्स हैं, ये नेचुरली जैसे मुड़े रहते हैं वैसे ही मुड़े रहने दीजिए आप इन्हें। और इसी तरह आप हारमोनियम पे हाथ रखिए और उंगलियों में थोड़ा सा गैप होना चाहिए। आप देख रहे हैं मेरे ये दोनों हाथों में, आप देखिए दोनों में अगर आप कंपेयर करेंगे तो इस हाथ में जो है आपको लगेगा थोड़ी सी उंगलियों में मेरा गैप ज़्यादा है क्योंकि मैं हारमोनियम बजाता हूँ। क्योंकि जब उंगलियाँ दूर दूर रहती हैं तो आपको आसानी पड़ती है दूर दूर के सुर बजाने में, हाथ में गति आ जाती है और ये सब एक बेनिफिट्स हैं, ठीक है। अब आप उंगलियों के साइज़ का आप कुछ कर नहीं सकते, ऐसा तो नहीं कर सकते कि ज़बरदस्ती आप उन्हें बढ़ा लीजिए या अगर मोटी हैं तो पतली कर लीजिए, ऐसा कुछ नहीं। तो नेचुरली जो हाथ है आपका उसके साथ आप क्या कर सकते हैं, उसमें क्या बेनिफिट कर सकते हैं, वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो सबसे पहले तो हाथ का रखरखाव हल्का सा मुड़ा होना चाहिए, स्टिफ नहीं होना चाहिए। हारमोनियम बजाना है तो टिप्स से बजाइए, ये जो उंगलियाँ जो टिप्स हैं ऐसे, ना कि ऐसे ऐसे। अगर ऐसे 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 अगर आपका हाथ चलेगा तो गति नहीं बनेगी। जैसा कि आप जानते हैं कि हमें जब दौड़ना होता है और चलना होता है उसमें फ़र्क होता है। जब हम दौड़ते हैं तो हमारे कदम जो हैं उठ उठ के लगते हैं, कूद कूद के लगते हैं। अगर हमें तेज़ी से दौड़ना है तो अगर आपने प्रोफेशनल एथलीट्स को देखा हो तो आप ये चीज़ महसूस कर पाएंगे कि वो जब दौड़ते हैं तो उनके जो पाँव हैं हल्के 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 उठते हैं, ऐसा नहीं कि बहुत ऊँचे ऊँचे उठ रहे हैं, है ना, और वो टिप्स पर चलता है उनका मामला। तो उसी तरह से हमारे हारमोनियम पर हाथ भी ऐसे ही चलता है, उठ उठ के लगता है ऐसे ऐसे, है ना। और ऐसा नहीं कि इतना इतना उठ रहा है, इतना इतना नहीं उठना चाहिए, हल्का हल्का सा उठेगा और ऐसे ही बजेगा। तो देखिए कैसे जा रहा है। पहले आप अगर बजाते हो तो शायद ऐसे बजाते हो सा, है ना, लेकिन अब आपको बजाना है तो हल्का सा हाथ हमारा हल्का सा मुड़ा हुआ, आप देखिए पोजीशन ऑटोमेटिकली ऐसी बन जाती है और ये हाथ हल्का हल्का सा उठ उठ के लग रहा है। और हाथ हो सके जितना हमेशा सीधा रखिए, कभी भी ये फिंगर्स क्रॉस नहीं होनी चाहिए, थंब जो है आपका मुड़ के नहीं लगना चाहिए। ये कुछ कुछ चीज़ें हैं जो मैं पहले भी अपने वीडियोस में बता चुका हूँ, वही मैं दोहरा रहा हूँ, उसके बाद हम कुछ टेक्निक्स पर आएंगे। तो ये गया आपका हाथ ऐसे बजा रहा है, है ना, ऐसे ही उठ उठ के लगना चाहिए। है ना, जब ऐसे उठ उठ के लगेगा तो ऑटोमेटिकली हाथ में एक स्पीड आ जाएगी। अब आपको बजाना क्या क्या है, जाहिर सी बात है आपको अलंकार बजाने हैं जिससे कि आपके हाथ में गति बनेगी, उसी का आपको रियाज करना है। अब अलंकार किस तरह से बजने चाहिए उसका ख्याल रखना है, एक लय होनी चाहिए आपके हाथ में जो आपको दिखे। जैसे कि अगर मैं हारमोनियम बजा रहा हूँ तो, या आपने देखा एक कंट्रोल है मेरे हाथ में, जो लय मेरे दिमाग में चल रही है वही लय मेरे हाथ में भी आनी चाहिए। ये चीज़ मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि लय हो सुर हो ये सारी चीज़ें हमें जहनी तौर पर दिमाग में हमारे फ्रीक्वेंसी सेट हो जाती है, लेकिन फिजिकली प्रैक्टिकली अगर हमें उसे करना है तो हमारा गला भी और हाथ भी दोनों जो है वो सामंजस्य, उसका एक कॉम्बिनेशन होना चाहिए, हमारे दिमाग और गले का अगर हमें गाना है तो, और दिमाग और हाथ का अगर हमें बजाना है तो। तो जो लय आपके दिमाग में आई वही लय अगर हाथ में भी आ जाए तो बात होती है, और वो तब हो पाती है जब फिजिकली आपके हाथ में वो स्पीड होती है। दिमाग से तो आप उस लय को उस चीज को समझ सकते हैं लेकिन फिजिकली हाथ से नहीं कर सकते, इसका मतलब रियाज की कमी है, है ना। लेकिन अगर दिमाग में ही नहीं समझ आ रहा है और हाथ तो बढ़िया चल रहा है तो इसका मतलब समझ की कमी है, ठीक है। तो ये चीज होती है, तो वो दोनों चीजें डेवलप करनी है। अब अलंकार बजाते समय इस चीज का ख्याल रखना है, कोई सा भी अलंकार बजाओ उठ उठ के बजना चाहिए, ये हाथ इस तरह रहना चाहिए। अब अलंकार जब आप बजा रहे हो तो उनको लयों में रियाज करने की कोशिश करो, जैसे पहले सिंगल लय में जाएगा, फिर इसका दोगुना करो,
फिर कोशिश करोगे तिगना हो। फिर चौगुना। ऐसे करते करते अलग अलग लयों में आपको अलंकारों का रियाज करना है। फिर जैसा कि मैंने बोला, थाट और स्केल्स, थाट और स्केल्स के ऊपर पर्टिकुलरली एक वीडियो बना रखा है मैंने, तो वो आप ज़रूर देख लीजिए ताकि डिटेल में आपको मालूम चल जाएगा। इस वीडियो की लेंथ बढ़ाना मैं लाजमी नहीं समझता हूँ, खामखा मैं वही चीज़ें दोबारा बताऊँ जो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो हम थाटों को समझें, तो अलग अलग थाटों में जब आप रियाज करते हैं, जैसे अभी मैं भैरवी थाट बजा रहा हूँ, अब इसमें आप अलग अलग डिफिकल्ट अलंकार बजाएंगे। है ना, ऐसे अलग अलग अलंकार बजाएंगे। कुछ मैंने झाले के ऐसे ऐसे ही आपको सारे थाट बजाने, जैसे थाटों का रियाज होता है, एक के बाद एक थाट बदलिए, जैसे बिलावल, भैरवी, कल्याण, भैरव, काफी, खमाज, आसावरी। इसी तरह से आपको दसों एक एक करके थाट बजाने हैं, फिर अलग अलग स्केल से, जैसे कि चौथी काली से बजाना आना चाहिए, है ना, साढ़े पाँच से बजा लिया। इसी तरह आपकी सारी उंगलियां इस्तेमाल में आएंगी और पूरा हाथ इस्तेमाल में आएगा, तो अपने आप गति बनेगी। ये दूसरी सफ़ेद से, है ना, तो आपके हाथ में स्पीड आएगी, स्पष्टता आएगी। तो ये हारमोनियम के रियाज की कुछ चीज़ें हैं। अब आपको कुछ झाले की टेक्निक्स बजानी आनी चाहिए। मैंने पूरी पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है इस पे कि झाला टेक्निक्स का रियाज आपको किस तरह करना है और कौन कौन सी टेक्निक्स होती हैं, तो वो सब भी आप सीखिए वहाँ पे। जैसे एक सिंपल सी टेक्निक मैं हमेशा बताता हूँ, नी सा सा सा, ये एक दो तीन चार की गति जा रही है, अंगूठा दूसरा पहला दूसरा। अब ये कैसे गया, आप देख रहे हैं कि एक ये लगता है और जब ये लगता है तो हाथ ये ऐसे ऐसे शिफ्ट हो रहा है, ये है ना, ये ऐसा ऐसा नहीं होना चाहिए, या एकदम स्टिफ स्टिफ ऐसा नहीं होना चाहिए, ये टिप से बज रहा है। अब यही पूरे में जाता है, एक सुर स्टेबल रख के आप सारे सुर बजाते हैं। इन सारी टेक्निक्स को मैं डिटेल में ऑलरेडी एक एक वीडियो में समझा चुका हूं, ताकि आप लोगों के लिए बेहतर होगा। तो सीरीज वाइज आप उनको सीखना शुरू कीजिए, है ना। और ऐसे ही ये भराव के झाले की टेक्निक होती है, ऐसे ही देखिए आप। मैं ये जो जो सारी टेक्निक्स बता रहा हूँ, इन सबको मैंने सिंप्लीफाई करके एक एक वीडियो में सिखा रखा है। फिर आप अलग अलग अलंकार बजाते हैं, अलग अलग चीज़ें बजाते हैं, जैसे है ना, ये भी एक झाले की टेक्निक है, जैसे कि ये गया था, इसी का उल्टा है, है ना। अलग अलग अलंकारों को आप इन टेक्निक्स में इस्तेमाल करके बजाएंगे। तो ये कुछ तरीके हैं, ये कुछ टेक्निक्स हैं जिनका आप रियाज करेंगे तो हारमोनियम में आपकी गति आएगी, स्पीड आएगी और स्पष्टता आएगी, क्लैरिटी आएगी, है ना। और छोटे छोटे जो कण होते हैं जो आप लेना चाहते हैं वो आएंगे, जैसे कि है ना, आप देख रहे हैं कि हर उंगली में एक कंट्रोल है कि आप कौन सा सुर किस उंगली से बजा रहे हो, कितने कंट्रोल से। अब जैसे ये जो टेक्निक मैंने बजाई थी, आप देख रहे हैं मैं सुर चार लगा रहा हूं, लेकिन सुनाई आपको सा जो है वो प्रबलता से दे रहा है, और बाकी जो ग और प है, ये जो गंधार और पंचम है, ये हल्के सुनाई दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि इन दोनों उंगलियों पर मैं कम जोर लगा रहा हूं और इस पर ज्यादा लगा रहा हूं। तो ये जो कुशलता है ये आपको तब हासिल होगी जब धीरे धीरे आप एक एक टेक्निक्स का अच्छे से रियाज करेंगे, ठीक है, कि हर उंगली का कंट्रोल जो है आपको समझ आए, है ना। तो खैर, ये वो सारी टेक्निक थी जो मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। इसी तरह कुछ ना कुछ आप देखते रहिए हमारे वीडियोज़ के, चैनल के वीडियोज़ को, और कुछ ना कुछ मैं नया लाता रहूँगा, कुछ ना कुछ आप लोगों को दिमाग से कुछ ना कुछ बनाकर बताता रहूँगा, और कोशिश करूँगा कि संगीत की उपज तक आप लोगों को पहुँचा सकूँ। देखते रहिए इसी तरह वीडियोस, और शुक्रिया हमारा चैनल सब्सक्राइब करने के लिए।